फिर से स्वागत है आप दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट में। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, इसके बाद भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं पिछले वीडियो पे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे पिछले वीडियो के। उसमें सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन है, इसमें मैंने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल उसी तरह से सॉल्यूशन किया है जैसे मैंने ए और बी का किया है। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जल्दी जल्दी में मेरे से गलत हो गया था, तो मैंने उसका भी सही करके इसमें आंसर दे दिया है। इसके अतिरिक्त आपका कोई भी सेट था 1, 2, 3 कोई भी सेट था आपका, मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें कुछ ही क्वेश्चन डिफरेंट थे, तो मैं सारे सारे सेट्स के वीडियो कल तक, कल दोपहर तक या कल इवनिंग तक सारे सेट के अलग अलग वीडियोज डाल दूंगा। इसके अतिरिक्त आपका कोई भी सेट हो, इसमें कम से कम आपका 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, तो इसको आप मिला सकते हैं। और बाकी जो आपका बच जाएगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं कल जब लाऊंगा वीडियो, तो उसमें आपके वो सारे क्वेश्चन होंगे सेट वाइज करके कि ये इस सेट का है, ये इस सेट का है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, करना ना भूलें ताकि आपको और भी आने वाले वीडियोज मिलते रहें और इसी तरह से हमारा चैनल भी ग्रो हो सके ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हुआ था पिछले सेट में जल्दी जल्दी के कारण, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सुधार लेता हूँ। और मेरे से गलती क्या हो गई थी कि मैंने इसमें जो है जिसको कंपोजिट और प्राइम नंबर नहीं मान के यहाँ पे मैंने ऑड और इवन का बना के रख दिया था, ठीक है। और बाद में वही फिर आपको कंपोजिट और इससे बता दिया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होती है वो होता है, कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4 और 6, तो इनकी संख्या हो गई 2 और टोटल आउटकम 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/3 आएगा। और जो अभाज्य संख्या, इसका आंसर तो मैंने 2 लाया है प्राइम नंबर वाले का, लेकिन इसमें जो मैंने शुरू में 1 लिख दिया है वो 1 नहीं होगा, इसमें होगा 2, 3, 5, तो इसकी संख्या हो गई 3 और टोटल आउटकम 6, तो ये दोनों कट होके हो गया 1/2। तो इसका जो आंसर था वो फर्स्ट का था 1/3 और सेकेंड का 1/2। चलिए अब सेक्शन सी की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप सेक्शन सी देख सकते हैं, इसमें त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी में दिया हुआ है। और उसके बाद हमको प्रूफ करने कह रहा है कि साइन बी प्लस सी बटर टू इज इक्वल टू कॉस ए बटर टू। आप देखिए तो इसमें क्या है, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता है 180, तो बी प्लस सी का वैल्यू हमारा हो गया 180 माइनस ए एंगल ए, तो बी प्लस सी बटर टू का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस ए बटर टू, यानी 180 का बटर टू 90 और ए का बटर टू ए बटर टू। तो ये जो हमारा बी प्लस सी बटर टू का वैल्यू है वो उतना हो गया। अब हम LHS में आएंगे, LHS हमारा है साइन बी प्लस सी बटर टू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने साइन को साइन छोड़ दिया और यहाँ पे बी प्लस सी का जो वैल्यू है 90 माइनस ए बाई टू वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप सभी जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो आ गया कॉस ए बटर टू, जो हमको प्रूव करना था। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री है, तो टेन बी प्लस सी बटर टू का वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू 1 होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होता है 180, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, तो बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो बी प्लस सी बटर टू का वैल्यू हो जाएगा 90 बटर टू यानी 45 डिग्री, यानी टेन बी प्लस सी बटर टू का मतलब हो गया टेन 45 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया 1। अब इसके और की ओर चलते हैं, अथवा की ओर। यहाँ पे टेन ए प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, टेन ए माइनस बी का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तो ए और बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ टेन कितना में 1 देता है, तो 45 में, तो ए प्लस बी का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। टेन कितना में 1/√3 देता है, तो 30 डिग्री में, तो ए माइनस बी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो यहाँ पे ए का वैल्यू 37.5 और बी का वैल्यू 7.5 आ गया। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको जल्दी जल्दी लगा हो तो आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। और देखिए हम लोग भी इंसान हैं, थोड़ी सी गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा काम आपका सपोर्ट करना होता है, हमारा काम होता है कि आप एग्जाम दे के आएँ तो आपको सहायता मिल सके हमारे सॉल्यूशन से, बस और कुछ नहीं है ऐसा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये जो एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको टीपी का वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए दे रहा था और सारे जो यहाँ पे कंडीशंस है वो दिए हुए हैं। टीपी का वैल्यू निकालना है, ओपी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, इस टोटल का वैल्यू पीक्यू का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और हमको इसका वैल्यू निकालने कह रहा है, ठीक है। ये जो है जो हमारा कॉर्ड है और ओपी जो है जो हमारा सर्कल का
रेडियस है। चलिए तो ये जो है जो सिमिलरिटी से बनेगा, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा कि पी आर ओ जो है जो ट्रायंगल टी पी ओ का सिमिलर है। कैसे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ट्रायंगल टी पी ओ में आइए, एंगल ओ टी पी ओ में भी है और एंगल ओ इस ट्रायंगल पी ओ आर में भी है, पी आर ओ में भी है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में। उसके बाद ये आप जानते हैं कि रेडियस जो होता है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। और उसके बाद हम सारे लोग जानते हैं कि जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड पे जो रेडियस होता है, यहाँ पे ये भी जो देख रहे हैं आप वो रेडियस ही जा रहा है, ठीक है। तो कॉर्ड पे रेडियस भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90, ये 90, उसके बाद दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है जो कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल क्रिटेरिया से जो है वो सिमिलर हो गया एक दूसरे के। अब हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उस नियम का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है टीपी का वैल्यू 20/3 निकाल दिया गया है। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा तो इसके बारे में आपको बता दूंगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जो एक तरह का प्रूफ है, और प्रूफ है तो इसका मैंने यहाँ पे नहीं किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो भी प्रूफ वाला सेक्शन है मैं सेक्शन डी जब बनाऊंगा तो प्रूफ वाला सारा वीडियो ला के दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि प्रूफ है उसका तो सिंपल सा आप बुक में भी जाके देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा, या फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डी जब मैं सेक्शन लाऊंगा तो इसका प्रूफ भी दे दूंगा। चूंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूं तो थोड़ा सा टाइम आज कम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें मीन निकालना है, द गिवन डेटा का 40 स्टूडेंट्स का ये डेटा है उसका मीन निकालना है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लास मार्क लिख दिया है टोटल इंटरवल्स का, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी है, एंड देन मैंने एफ एक्स निकाला है सबका, और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ 40 और टोटल एफ एक्स का जो एडिशन है वो आया है 564। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा वैल्यू 14.1 आ रहा है। तो 14.1 अगर आपका भी आया है तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार में दो वाइपर्स हैं और 21 सेंटीमीटर उनके पत्ती की लंबाई है। ये जो है जो सेक्टर वाले फॉर्मूला से बनेगा, देखिए इस तरह के दो वाइपर्स हैं, ठीक है, 120 डिग्री ये कवर करते हैं। तो फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे बनेगा, दो वाइपर हैं तो दो वाइपर डबल एरिया करेगा, तो मैंने यहाँ दो से गुना कर दिया। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, आपको टोटल स्टेपिंग करना होता है, 2 into फिर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ दो मैंने क्यों किया, क्योंकि पत्तियों की प्रत्येक, देखिए इसमें बोल रहा है कि टोटल जो दोनों टोटल एरिया क्लीन्ड एच एट इच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ब्लेड्स कहने का मतलब है दोनों ब्लेड का एक साथ लीजिएगा एक बार में, तो दो मैंने मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला डाल दिया 2 into थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वैल्यू आया वो आया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ का है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये मुझे आया नहीं है, मैंने बनाया नहीं, मैं डी करूंगा सॉल्यूशन तो मैं उसके साथ कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास टाइम आज थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने इसको नहीं किया है, अभी वीडियो रोके नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वीडियो को छोड़ के नहीं जाए, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक पी ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स को डिवाइड करके बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड करके देखा है, और देखिए डिवाइड करके देखने के बाद यहाँ जो रिमाइंडर है वो दो बच रहा है, तो रिमाइंडर बच गया तो ये फैक्टर नहीं है, अगर पूरा पूरा कट जाता रिमाइंडर जीरो हो जाता तो फैक्टर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये भी देखिए एक प्रूफ है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ कीजिए, अगर आपको प्रूफ आता है तब तो ठीक, नहीं आता है तो सेक्शन डी के साथ आएगा। इसी का जो और में क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 और 15628 लीप्स रिमाइंडर्स इतना, तो इसको बनाने का सिस्टम क्या होता है, सब में वन, इसमें वन माइनस कीजिए, इसमें टू माइनस कीजिए, इसमें थ्री माइनस कीजिए, माइनस करके जो आया आप उसका एच सी एफ निकाल दीजिए। तो जब मैंने एच सी एफ निकाला तो इसका वैल्यू आया 625, तो 625 इसमें आंसर होगा।
अब आइए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ए साइड दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और डी और ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो मैंने क्या किया कि बी और सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन और बाई वन और एक्स टू बाई टू मान लिए। उसके बाद आप सिंपल सा इसमें क्या करेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे कोऑर्डिनेट वाला। देखिए यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है, वन प्लस एक्स वन बट्टा टू इज इक्वल टू टू, ऐसे करके एक्स वन और यहाँ पे बाई वन का वैल्यू निकाल लिया। फिर यहाँ पे मैंने एक्स टू और बाई टू के वैल्यूज निकाले हैं, आप देख सकते हैं इधर का और इधर का जो कंडीशन है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसको क्लियर कर दूंगा साफ से बना के पेज पे। तो यहाँ पे एक्स वन का वैल्यू थ्री बाई टू, बाई वन का वैल्यू टू, यानी बी का कोऑर्डिनेट थ्री टू आ चुका है और यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है माइनस वन और टू। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको एरिया का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स को साफ साफ लिख के और उसके बाद एरिया जब मैंने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 12 यूनिट हमारा आंसर आया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है और इसको मैंने एकदम आसानी से यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है। एक्स का वैल्यू सेवन आया, क्या करना है तो फाइव एक्स और सिक्स एक्स मान के और दोनों में सेवन सब्ट्रैक्ट करके और उसके बाद फिर वैल्यू कर देना है फोर बाई फाइव। एक्स का वैल्यू मेरे पास आ गया सेवन, तो जो मैंने नंबर्स फाइव एक्स और सिक्स एक्स माने थे तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और सेवन सिक्स जा फोर्टी टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इसमें क्या है कि एक पाइप है, पाइप से 2.52 kmph के एक सिलेंड्रिकल पाइप से जो है जो पानी आ रही है और एक टैंक में जा रही है, उस टैंक का रेडियस 40 सेंटीमीटर है और टैंक में आधे घंटे में 3.15 मीटर पानी भर जाता है। तो आपको बताना है कि जिस पाइप से पानी आ रही है उस पाइप का डायमीटर क्या है। चलिए तो इसको मैंने बनाया है, पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2.52 kmph है आधे घंटे में हाफ आवर में कितना मीटर है ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2.52 किलोमीटर ये भरेगा पानी कितने टाइम में, एक घंटे में। तो आधे घंटे में इसने कितना पानी भरा, आधे घंटे में इसने इसका आधा यानी 1.26 किलोमीटर, यानी कि मीटर में देखा जाए तो 1260 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो पाइप से निकला, जो पाइप से निकला पाइप का मैंने रेडियस कैपिटल आर मान लिया है तो पाई आर स्क्वायर इंटू इसका जो डिस्टेंस निकला 1260 मीटर। और इधर कौन सा, तो इधर मैंने टैंक का पाई आर स्क्वायर वो सेंटीमीटर में था तो इसको मीटर में बदल के और फिर जो हाइट ऊपर गया था वो दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो आर का जो वैल्यू आया वो आया 0.02 मीटर, तो इसका डायमीटर पूछ रहा था तो डबल करने के बाद 0.04 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए कारगर हो, सेक्शन डी का भी आएगा और जितना सेट है सेट वन सेट टू जितना भी सेट है सब सेट का मैं सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा और जब तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा और एग्जामिनेशन के बाद के भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जाइए कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।